घटना कोई भी कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्डी बरार को लेनी चाहिए। केजरीवाल मैन सर्च करोगे तो मैनिफेस्टो से पहले मैंगो आ रहा है। पिक मी, मैंसप्लेन, मिसोजिनिस्ट, आपकी लिंगो आपको मुबारक। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि आप भाई इसको लेके माफी मांगिए वरना हमको वायलेंस ज्यादा पसंद है नहीं। कि अगर लड़की के विचार थोड़े से अलग है तो दूसरी लड़कियां ही आती हैं टू पुल हर डाउन। डायबिटीज के बावजूद आम और मिठाइयां खा रहे हैं, इफ दैट्स ट्रू मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज आर्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। लोकतंत्र का पर्व इलेक्शन शुरू हो चुका है, स्टार्टिंग विद दिस मोदी जी का इंटरव्यू रिलीज्ड लास्ट वीक। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है, ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले हुए। सही बात है, आजकल लोग सरकार की आलोचना करके यही सोच के बैक स्पेस दबाते हैं। और इसी बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और अरविंद केजरीवाल का टॉम एंड जेरी चालू है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि केजरीवाल जो इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद है, वो जानबूझकर टाइप 2 डायबिटीज होने के बावजूद वो मिठाइयां, आम और भी ज्यादा मीठे सामग्री खा रहे हैं ताकि उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और इसके दम पर उनको कोर्ट से बेल मिल जाए। डायबिटीज के बावजूद आम और मिठाइयां खा रहे हैं, इफ दैट्स ट्रू मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो। और इन दिनों अरविंद केजरीवाल एक बर्निंग टॉपिक है, खासकर बच्चों के बीच में। मोदी साहेब केजरीवाल ते बीवे छे, एकले एना जेल में ना गया छे। केजरीवाल आम आदमी पर ना हेड छे, तेमने प्रचार करवाना मौको मलो जोइए। मौका जोइए छे, मौका जोइए छे, जोइए छे, जोइए छे, जोइए छे। केजरीवाल भी कितलो बडो करप्शन करियो छे, बट करप्शन करियो छे, करप्शन तो कितलो करियो छे, त्यारे जे ते गंदर खाया छे त्यारे मोदी सरकार नो जोजे, करप्शन नथी करियो। अरे तू तो अत्यानो युवा छे तो तने तो कितलो ख्याल आउ जोए। मैं ट्रांसलेशन देता हूं, दीदी कह रही है बेटा पहले अच्छे से उग जा फिर जाके पॉलिटिक्स बताइयो। लेकिन लड़का माननी है वो छूट नहीं आई आई छे, खोटू नहीं बोलतो। एक खबर आ रही है जरा अरविंद केजरीवाल पर, ईडी के वकील का केजरीवाल पर बड़ा दावा है कि केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं। घर का खाना खाकर केजरीवाल का वजन बढ़ गया है, जेल में घर से आलू पूरी आम मिठाई सब कुछ आ रहा है, ये ईडी दावा कर रही है। दरअसल देखिए वो कुछ बोलते बोलते हंस गया कि आम मिठाई आलू पूरी आ रहे हैं, ईडी ये दावा कर रही है। कोई बात नहीं भाई, यू आर नॉट अलोन, इट इज फनी। और केजरीवाल जी को भी इस बात के पूरा अंदाजा है कि डायबिटीज के लिए उनको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। अरे इनका अंडा मछली खत्म नहीं हो रहा यार। You know, it's only a tragedy कि पीक इलेक्शन सीजन चल रहा है और अगर आप गूगल पे केजरीवाल मैन सर्च करोगे तो मैनिफेस्टो से पहले मैंगो आ रहा है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बट मनी लॉन्ड्रिंग के इस केस में कोर्ट कविता के चिन्ह बना हुआ है। ईडी वहां आके कह रही है कि माय लॉर्ड ये केजरीवाल साहब रोज आलू पूड़ी खा रहे हैं, रोज आम खा रहे हैं। तो केजरीवाल के वकील आके कह रहे हैं कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, ये आम 3 बार खाए, आलू पूड़ी तो एक ही बार खाई है। पीछे से बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि अरे एक अंडा भी था। और जज साहब बोल रहे हैं कि अगर इतनी पेट पूजा हो गई है तो ये सब गोल भी ले ही लो। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। दिल्ली से अब चलते हैं सीधा मुंबई, जहां पर अगली बड़ी घटना हुई। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने गोलियों से फायरिंग की। अगर आप कभी मुंबई गए हैं तो बांद्रा में एक सी फेसिंग रोड है, जॉगर्स पार्क के पास में, वहीं पर सुपरस्टार के सारे घर पड़ते हैं। वहीं पर आपको जहां भीड़ लगी मिले तो समझ जाना या तो शाहरुख खान का घर है सलमान खान का। और उसी के बाहर 2 लोगों ने गोलियों से शूटिंग की। मुंबई पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट से विकी गुप्ता और सागर पाल को अरेस्ट कर लिया है और घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। गैंगस्टर लोग यार ऐसे पैटर्न ब्रेक मत करो, मतलब घटना कोई भी कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी गोल्डी बरार को लेनी चाहिए, मतलब प्रोटोकॉल परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन नहीं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। अच्छा, अगर आपको मामले का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता तो बहुत सालों पहले एक ब्लैक बक का शूटिंग केस हुआ था जिसमें सलमान खान का नाम आया था। राजस्थान के जोधपुर में मूवी की शूटिंग हो रही थी और इस टाइम पे ब्लैक बक का शिकार हुआ था, इसमें सलमान खान आरोपी बताए जा रहे थे। और ये जो ब्लैक बक एनिमल है ये बिश्नोई समाज के लिए बहुत पूजनीय माना जाता है, बहुत सीक्रेट होता है। और उसी को लेके लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि आप भाई इसको लेके माफी मांगिए वरना हमको वायलेंस ज्यादा पसंद है नहीं पर कर देंगे।
अब ऑब्वियसली जब इतने बड़े एक्टर के घर में, जो भाई एक तरह से इंडिया का एम्बेसडर, उसके घर में शूटिंग होगी तो हंगामा होगा, कंट्रोवर्सी होगी, न्यूज छपेगी, सीएम साहब उनके घर पे मीटिंग करने जाएंगे, सब कुछ हुआ। और जब मामला इतना गंभीर है, डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुंबई के लौंडे मजे ले रहे हैं। हाँ, घटना के कुछ ही दिन बाद एक लड़के ने लॉरेंस बिश्नोई नाम से कैब बुक करके सलमान खान के घर पे भेज दी, अरेस्ट हो गया। इसी बीच एक काफी वायरल इंटरव्यू पॉडकास्ट रहा बॉलीवुड पॉप स्टार नूरा फतेही का। नूरा फतेही हाल ही में बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट पर गई, जहां पर उन्होंने बताया कि वो मौत के बारे में क्या सोच, ये सवाल नहीं था, एलियन सुन नहीं तो क्या लॉजिकल था क्या कुछ, ठीक है वो भी चलेगा। अच्छा देख ही लेते ना क्या कहा। Feminism fucked up our society. Not having the male and female dynamics in the home, where the man is a provider and a breadwinner, and the woman is a nurturer. I don't believe in people who think that that's not true. Basically, Noora Fatehi ne kaha ki aaj ka jo modern day feminism hai, it is all about bashing men. कि आदमी खराब होता है, ये होता है, और जो महिलाओं का होता है कि भाई ठीक है, महिलाओं का वुमेन एम्पावरमेंट अपनी जगह है, लेकिन उसके भी एक नियम कायदे कानून होते हैं। एंड जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है, मैन इज अ ब्रेड अर्नर, वुमेन इज अ नर्चरर, आदमी कमाएगा और गृह लक्ष्मी होगी, ये जो ट्रेडिशनल सोच है मुझे नॉर्मल लगती है, मुझे ये पसंद है। और भी कई सारी बात कही, बट कॉन्ट्रोवर्सी में बेसिकली यही है, ठीक है गलत तो नहीं। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो रिप्लाइज में ज्यादातर नूरा फतेही का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उन्हीं के कुछ पुराने वीडियोस चलाए गए, हिपोक्रेसी दिखाई गई। एंड टू ऑल द पीपल, याद करो आपको उसमें थोड़ा सा ना डेजोवू हो रहा होगा, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले सोनाली कुलकर्णी का भी एक ऐसे वीडियो वायरल हुआ होगा। याद करो जब उन्होंने बोला था कि कुछ लड़कियां होती हैं जो ट्रॉफी हस्बैंड ढूंढती हैं, और उस पॉइंट पे उनको भी बहुत पिक मी गर्ल, प्लीजिंग द मेल गेज वगैरह बोला गया था, जो इन दिनों नूरा फतेही को बोला जा रहा है। और इस पूरे आर्ग्यूमेंट को लेकर जो मेरा ओपिनियन है वो इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक है, सर्च करके भी आप देख सकते हो। एंड दूसरा, टू हर टारगेट ऑडियंस, कोट एंड कोट मॉडर्न डे फेमिनिस्ट, अगर दोस्तों आप किसी चीज से, किसी के ओपिनियन से डिसएग्री करो तो उसको कम से कम एक्सेप्ट करो, उसको कैंसिल नहीं। कई इंस्टेंसेस में दिखाया गया है कि अगर लड़की के विचार थोड़े से अलग है तो दूसरी लड़कियां ही आती हैं टू पुल हर डाउन। अगर कोई लड़की कह रही है कि उसको मॉडर्न फेमिनिज्म पसंद नहीं है, उसको ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग पसंद है, उसको पुराने ख्यालात अच्छे लगते हैं, तो अगर आप फेमिनिज्म के लिए हो तो उसका भी अपना ओपिनियन है ना। अगर आपको उसका ओपिनियन पसंद नहीं आ रहा, डिसएग्री करो। ये क्या तरीके हैं, पिक मी, मैंसप्लेन, मिसोजिनिस्ट और स्लट शेमिंग, मतलब फलाना ढिमकाना, आपकी लिंगो, आपको मुबारक। जब आप डिसएग्रीमेंट को गाली दे देते हो ना, आप दूसरे को सही साबित कर देते हो। और अगर आपके ओपिनियन से फिर कोई डिसएग्री कर जाए तो आप उसी लड़की को फिर आप वही बोलोगे जिसके अगेंस्ट आप खड़े हो, उसी को आप स्लट शेम करोगे, उसी को आप उल्टा बोलोगे, उसी को आप कैंसिल करोगे, तो फिर आपका एजेंडा ना वुमेन राइट और वुमेन एम्पावरमेंट का नहीं लगता। एक और वीडियो वायरल हुई एक्टर रणवीर सिंह की, वीडियो देखो। मोदी जी का पर्पस यही है, उनका उद्देश्य यही था कि वो सेलिब्रेट करे हमारी दुखी हुई जीवन। अब कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो दरअसल रणवीर सिंह की है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, ये वीडियो दरअसल एक डीप फेक वीडियो है। रणवीर सिंह ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके बोला कि डीप फेक से सावधान रहें दोस्तों। ऐसी कई सारी डीप फेक्स हैं इन दिनों, जो रणवीर सिंह की है, आमिर खान की है, जो इन दिनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स उनसे बुलवा रही है, जो अपेरेंटली उन लोगों ने बोला भी नहीं। और जैसे जैसे अभी चुनाव का सीजन सामने आएगा, दिस वुड बी द फर्स्ट एवर लोकसभा इलेक्शन विच वुड बी टारगेटेड और इनफैक्ट मैन्युपुलेटेड बाई डीप फेक्स। तो अगर कभी आपके पास कोई वीडियो आए, कल आपको मोदी जी खुदा के बोल देना कि जाओ भैया राहुल गांधी की कांग्रेस को वोट करो, तो चौंकना मत। ऐसा हो सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी चीज जो आपके पास आए, खासकर वो एक वीडियो, उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद उसको थोड़ा वेरीफाई कर लेना। मूविंग ऑन टू द न्यूज, 19 तारीख को देश के 18वें लोकसभा इलेक्शन का पहला चरण समाप्त हुआ। करोड़ों में लोगों ने इलेक्शंस में वोट दिए, 64 यानी कि 64% टोटल वोटर टर्नआउट रहा, यानी कि इतने लोग बाहर गए और उन्होंने वोटिंग करी, अपने उंगली पे इंक लगवाई। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। देश भर में चुनाव हुए, कई सारे स्टार्स, सेलिब्रिटीज ने भी आके वोट डाले, बट माय फेवरेट वर द कपल्स हु वेंट टू वोट राइट आफ्टर देयर मैरिज, शादी के बाद सीधा जाके वोट करने गए, मंडप से सीधा पोलिंग बूथ। व्हेन यू रियलाइज योर पार्टनर इज नॉट द ओनली वन हु इज गोना स्क्रू यू नाउ। देखो, शादी हो या इलेक्शन चॉइस की बात है, कम से कम एक जगह मिल तो रही है। बट इस साल एक बेचीदा ट्रेंड जो सामने आया वो ये कि वोटर टर्नआउट जो है,
यानी कि कितने लोग जो थे टोटल में से जो जाके अपना वोट कास्ट करके आए वो थोड़ा कम रहा। अगर आप 2019 के मुकाबले देखोगे 2024 का वोटर टर्नआउट तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर राज्य में वोटर टर्नआउट थोड़ा कम रहा, और उसमें भी सबसे बड़ा हाईलाइट जो रहा वो था नागालैंड राज्य, और ये हुआ है ज्यादातर ईस्टर्न नागालैंड में जहां पर सेपरेट जोन और फिर एक ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे लोग, और इसी मांग के चलते वहां पर बंद था और 400,000 में से एक भी व्यक्ति नहीं गया वोट देने। 6 जिले के 400,000 लोग जिनमें से 20 विधायक भी थे, एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ। खैर ये तो नागालैंड का उनका एक केस स्पेसिफिक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल भी देखोगे तो वोटर टर्नआउट थोड़ा कम है, और इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। एक अर्बन एपैथी करके टर्म होता है कि जो शहर के लोग हैं वो ज्यादा वोट करने नहीं जाते, वोटर डिससैटिस्फैक्शन होता है, ये कई लोग हैं जो कहते हैं कि आप कोई फायदा ही नहीं है, उस चक्कर में वो वोट देने नहीं गए। खैर अगर आप उनमें से कोई एक हैं जो जिनका इस बार उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग थी पर आप वोट देने नहीं गए, तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आगे बताओ, कोई जज नहीं करने वाला, कि आपने ऐसा क्या रीजन था कि आपने अपना मत नहीं किया, आपने अपना वोट कास्ट नहीं किया। एक बार कमेंट सेक्शन में #elections लिख के एक बार जरूर बताना कि इस साल वोटर टर्नआउट क्यों कम हो रहा है। अच्छा अगली न्यूज पे है, उससे पहले आपको पिछले एपिसोड के कुछ कमेंट पढ़ाता हूँ। मृदुल बोलते हैं, सार्थक भाई आजकल जो इंडियन रेलवे का स्लीपर क्लास है उसमें जनरल क्लास से भी बदतर हो गई है हालात। और भी कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि वो रिजर्व्ड सीट लेके गए थे बट अनरिजर्व्ड पैसेंजर उनके कोचेस में चढ़ गए और उनको अपनी सीट शेयर करनी पड़ी। अंबुज यादव ने सिनेरियो को कैप्चर करते बड़े खूबसूरत तरीके से लिखा, एसी हैज बिकम स्लीपर, स्लीपर हैज बिकम जनरल, एंड जनरल हैज बिकम अ कंप्रेस्ड जिप फाइल। और भी ऐसी कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर देखा जा सकता है कि इन दिनों रेलवे की हालत बद से बदतर है। जो भी ट्रेन्स हैं वहां पर जनरल के डिब्बों की हालत आपको पता रहती है क्या है, जो स्लीपर कोचेज हैं उनमें भी जनरल के लोग भर जाते हैं, और जब वहां भी पूरा हो जाता है तो फिर जो एसी के रिजर्व कोचेज हैं वहां भी अनरिजर्व पैसेंजर अंदर घुस रहे हैं, और जो रिजर्व पैसेंजर हैं उनको काफी ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और ये अचानक से नहीं हुआ है, एक सिस्टमैटिक डिलिमिनेशन था जिसमें कई लोगों ने बताया था कि जनरल कोचेस को जो है वो कम किया जा रहा है, इसकी वजह से जो अब पैसेंजर है जो जनरल कोचेस में ट्रैवल करते थे अब वो स्लीपर में या फिर एसी कोचेस में चढ़ के सफर कर रहे हैं। एंड पीपल कांट हेल्प इट, क्योंकि कई बार जो ट्रैवल प्लान्स होते हैं बहुत असमंजस में बनते हैं, अचानक से बनते हैं, तो हर बार लोग रिजर्व करा के नहीं चल सकते। ऊपर से ट्रेन्स कुछ होती हैं जो वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन चलती हैं उसमें हर कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, आप जानते हो महंगी ट्रेन्स होती हैं वो। बट अगर आप रिसेंटली ट्रेन से ट्रैवल किए होंगे तो आपको पता होगा कि आजकल ट्रेन्स में भीड़ भसड़ बहुत हो रही है, और आपने भी अगर सिमिलर एक्सपीरियंस फेस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में #railways लिख के जरूर बताना कि हालत कितनी खराब है। एक मर्डर केस जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है वो है कर्नाटका से, नेहा और फयाज का। दरअसल कर्नाटका यूनिवर्सिटी के दो छात्र थे, दोनों साथ में पढ़ते थे, दोस्ती थी। बाद में फयाज नेहा को प्रपोज करता है, नेहा मना करती है, फयाज इंसिस्ट करता है, बाद में नेहा की फैमिली वाले भी उसको समझाते हैं, और एक दिन एग्जामिनेशन हॉल के बाहर सनक में फयाज नेहा की चाकू से हत्या कर देता है। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी है, और क्योंकि इसमें एक धार्मिक एंगल भी है तो वहां पर कर्नाटका में इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। फयाज नाम के एक लड़के ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, ये पूरा मामला इस तरीके से लव जिहाद का बताया जा रहा है। ओके अनदर बिग न्यूज ऑफ द वीक, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यही बोलते हैं ना, हाँ कम से कम फुल फॉर्म तो मुझे आती है, मैं भी क्वालिफाई करता हूँ। ओके UPSC के 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। लिस्ट और चेहरे आपके सामने रख देता हूँ, टॉपर्स के नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी टॉपर हैं, ईच एंड एवरीवन रियल लाइफ मनोज शर्मा। हाँ लेकिन इनमें से जिस जनाब की AIR 4 रैंक है, PK सिद्धार्थ, उनसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली तो उनसे पूछा गया कि भाई UPSC में ऐसा क्या है जो इतना ज्यादा लोग उसको फेवर करते हैं, इतना ज्यादा उसके पीछे रहते हैं, इतना उस एग्जाम की वैल्यू है, और एक UPSC एग्जाम एक एस्पिरेंट की लाइफ में कितना मायने रखता है, उसको किस स्तर पे चेंज करता है, एक बार खुद सुनिए। Appeared in almost 4, 5 or 6 attempts and you have qualified it in 4 attempts. Many of the students they prepare and they do not get through the examination ultimately. So how do you think this preparation changes you as a person? What's your take on that? Really interesting. Like they say, knowledge is power. The fact that you actually come to understand many things that are very, general, but then you didn't know or it was not important to you, and suddenly you have an idea about almost everything. Yeah. Not that you have a great amount of depth on everything, but still you are aware at least about most of the things. अरे ये तो हम सब जानते हैं कि UPSC इंडिया में एक प्रेस्टिजियस एग्जाम रहा है। अगर आप कभी करोल बाग या मुखर्जी नगर दिल्ली के चले जाओ तो हर दूसरा व्यक्ति आपको एक एस्पिरेंट मिलेगा, मतलब अधिकार की लड़ाई के समय में अधिकारी बनना एक बड़ी बात हो जाती है। पास हुए और अगर नहीं भी हुए उस कवायद में इंसान बहुत कुछ सीख जाता है ना। खैर अगर आपने भी कभी UPSC करने का सोचा है, आप एक ऑलरेडी एक एस्पायरेंट बनने का सोच रहे हो, या अभी एक स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट में हो, अपनी जॉब छोड़ के UPSC करने का सोच रहे हो, बस कंफ्यूज्ड हो कि कैसे शुरू करें या कहां से शुरू करें, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है। राउज IAS जो इंडिया का एक प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है और हमारे संडे भारत जर्नी के वो नॉलेज पार्टनर भी हैं, जहां उनकी फैकल्टी आके कई सारे जो इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से पॉइंट होते हैं उन पे हमको इनसाइट्स देते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, अगर आप UPSC करने का सोच रहे हैं
तो 27 तारीख को सुबह 11 बजे राउज आईएएस एक स्पेशल मास्टर क्लास होस्ट कर रहे हैं, बेसिकली जिसमें एक एस्पिरेंट को ये बताया जाएगा कि प्रिपरेशन में क्या करना है और कैसे करना है। इस मास्टर क्लास में निथला प्रियंती हैं जिन्होंने हाल ही में आईएएस क्लियर किया है, वो भी होंगी। और इसी अपॉर्चुनिटी को देख के मैंने उनसे पूछा कि भैया हमारी भी ऑडियंस में से कई सारे लोग होंगे जो यूपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या वो ज्वाइन कर सकते हैं मास्टर क्लास आपकी। दे हैव बीन ग्रेशियस इनफ टू अलाउ अस। तो अगर आप भी एक यूपीएससी एस्पायरेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारा सब्सक्राइबर कोटा लगा के इस मास्टर क्लास को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड पे होगी तो कुछ सीखने को भी मिलेगा, फ्री बैठे रहोगे घर में। सुबह 11 बजे पहुंच जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, कॉपी करके व्हाट्सएप पे डालो, जब चाहो ज्वाइन कर ले। अच्छा, अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर में ट्री कवर जितना है ना सैटेलाइट इमेज की मदद से ट्री कवर पता लगाते हैं कि एक जगह पे कितनी हरियाली है, कितनी ग्रीनरी है। इस हफ्ते इन्होंने इंडिया के मामले में रिपोर्ट निकाल के बताया कि 2001 से लेके 23 तक यानी कि पिछले 23 सालों में इंडिया में 23 लाख हेक्टेयर का ट्री कवर कम हुआ है। और उसमें भी इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात यह है कि पिछले 2 दशकों में जहां सबसे ज्यादा ट्री कवर कम हुआ है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भी जाके देखना चाहो कि कहाँ कितना ट्री कवर कम हुआ है तो ये इनकी वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बड़ा आसान सा, बड़ा इंटरेक्टिव सा इनका इंटरफेस है, आप जाके अपना स्टेट टाइप कर सकते हो, रीजन टाइप कर सकते हो, आपको बता देंगे कि पिछले कुछ सालों में कैसे वहां पर ट्री कवर कम हुआ है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह कि जो ज्यादातर ट्री कवर कम हुआ है ये ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट में कम हुआ है। दो तरह के ट्री कवर होते हैं आपका, एक तो ट्री कवर और एक फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई बार सरकारें क्या करती हैं कि हमको बेवकूफ बनाने के लिए कहती हैं कि भाई हमने इस जगह पर इस जंगल में डेवलपमेंट वर्क किया और वहां से हमने इतने पेड़ काट दिए, इतने ज्यादा, इतने 50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया से वहां पे हमने पेड़ काट दिए, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पर हमने उतने ही ज्यादा पेड़ और कहीं और जगह प्लांट कर दिया, बट द डैमेज हैज बीन डन। क्योंकि एक जो जंगल होता है वहां जब आप पेड़ काटते हो तो पूरा इकोसिस्टम जाता है वहां पे, और किसी और जगह पे उतने ही अशोक के पेड़ लगाने से वो हरियाली वापस नहीं आती। मेरे कॉलेज में तो हरियाली बहुत है। हरियाली बहुत है तुम्हारे कॉलेज में? हाँ। पेड़ बहुत ज्यादा है? नहीं, लड़कियां। क्या रहा, लड़कियां? तुम्हारे जैसे ही लड़के मेन गेट के बाहर कूटते हैं, पता है तुम्हें? अच्छा, अगली न्यूज है हेल्थ से, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, और ध्यान से सुनना। एक स्टडी हुई है, सरकारी स्टडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उनमें से 45 प्रिस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। मतलब जो डॉक्टर पर्चा लिखता है ना प्रिस्क्रिप्शन, उसमें एक डिविएशन होता है, या तो फॉर्मुलेशन में, या तो ड्यूरेशन में, या तो डोज में। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी मुझे कुछ तो ऐसा लगा कि ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इतना विशाल देश है, अगर 45% प्रिस्क्रिप्शन गलत होने लगे तो कोहरा मच जाएगा ना, जगह जगह लोग बीमार पड़ने लगेंगे। इसलिए मैंने डॉक्टर निखिल प्रताप से बात की, जो रेसिडेंट डॉक्टर है नेफ्रोलॉजी के आरएन टैगोर हॉस्पिटल में कोलकाता में। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है, कि डॉक्टर साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, 45 प्रिस्क्रिप्शन गलत कैसे हो जा रहे हैं, एक बार सुनिए। वो रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें ऐसा फेक का तो नहीं था, मोस्टली ये था कि सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। तो उसके लिए थोड़ा स्टैंडर्ड जो होता है वो समझना पड़ेगा। उसमें आपको डेट जिस दिन आप प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, पेशेंट का पूरा डेमोग्राफिक डेटा, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज क्या है, सेक्स क्या है, वो सब लिखने के बाद उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या क्या है, देन यू हैव टू राइट इन कैपिटल ऑल द मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, और उनको डिटेल में लिख लंच और फॉर्मेट होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जो स्टडी करी है वो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में करी, एम्स और सफदरजंग में। उनका ओपीडी इनफ्लो इतना ज्यादा है कि अगर वो इस फॉर्मेट को फॉलो करने लगे तो 24 घंटे में भी ओपीडी खत्म नहीं हो पाएगी। तो वो अभी भी पुराने अपना जो ढर्रा चल रहा है ना उसी पे चल रहा है। पेशेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है, जो एग्जैक्टली जो उनका स्टैंडर्ड है ना, इन हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट आते हैं वो बहुत गरीब है, बहुत से अनएजुकेटेड है। अब आप ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली, बिफोर लंच, आफ्टर लंच ऐसे नहीं लिखेंगे तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे। वो क्या करते हैं, एक दवा का नाम लिया और तीन बार लेने तीन गोले लगा दिए, उनके ऊपर ही सुबह दोपहर शाम लिख दिया, राइट। तो ये स्टैंड उनके प्रिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड में नहीं, इसलिए ये गलत हो गया, नहीं जरूर, ऐसे स्टीरियोटाइप बन गया, स्टीरियोटाइप बन गया। अच्छा, अगर आप स्किन केयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, खूब क्रीम चिपोड़ते हैं मुंह पे, तो अगली न्यूज आपके लिए है, ध्यान से सुनना। एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से इंडिया में किडनी के प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं उनमें एक एलिमेंट यूज होता है मर्करी, और उसके यूजेस से ज्यादा बॉडी में उसका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए किडनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। आजकल ये काफी ज्यादा देखा जा रहा है कि जो स्किन केयर इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। अब आजकल तो मेन स्किन केयर का भी पूरा अलग से ही जॉनर बन चुका है, यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं, चीजें खरीदते हैं, अलग अलग तरह की क्रीम जो पोड़ते हैं, और उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स हैं अल्टीमेटली, क्योंकि है तो केमिकल प्रोडक्ट ही, टॉक्सिन्स बॉडी के इंटेक ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो कुछ भी प्रोडक्ट लगाएं वो एक हाई क्वालिटी का हो कम से कम, है ना। आपका स्किन केयर इतनी जगह है, बट जो भी आप अपने बॉडी पर लगाएं बट उसमें क्वालिटी अच्छी हो, और एक रूटीन फॉलो करें, पहले आपका टोनर, फिर सीरम, फिर विटामिन सी, मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन,
कोशिश करो कि SPF 50, पता सब है तुम्हारा भाई सिर्फ शकल से गरीब लगता है, ठीक है, पता सब है अपन को। खैर, जिस किडनी डिजीज के बारे में बात किया वो है मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी। मैंने डॉक्टर साहब से ये भी पूछा कि ये क्यों होता है, आपकी जो ये जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, बीमारी का नाम सिंपल नहीं हो सकता कि भाई साहब किडनी की बीमारी आपको K2, ये क्या है मेम्ब्रेनियस? पहले अब मैं क्या करूं, पहले मैं अपना मेडिकल सुधारूं या अपनी इंग्लिश? नेफ्रोपैथी, इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों होते हैं बीमारी के भी, मतलब कि पढ़ना ही नहीं आए, लिख नहीं सकते किडनी K1 K2 K3, ये बीमारी है भाई, कोडवर्ड अपने आसान कर लो आम आदमी के लिए थोड़ा। नहीं, वो तो जब हम लोग पढ़ते तो हम भी यही सोचते थे कि काश ये तो दवाइयां इंडियन लोगों ने करी होती, तो दवाई बीमारियां सॉरी इजाद करी होती, तो एक बीमारी का नाम सुरेश हो जाता, एक बीमारी का नाम रमेश हो जाता। क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर से आया, देखती एक लॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड बीमारी का नाम रखने में नॉमेनक्लेचर में, बट इंडिया में ये मेडिसिन तो बहुत टाइम से नहीं इजाद हुई थी, नहीं बनी थी, तो उनका कोई नाम ही नहीं है, जो वहां से नाम आ रहा है वही चल। अगली न्यूज है इंटरनेट की दुनिया से। एक रिपोर्ट आई जिसने बताया कि इंडिया इज अमंग्स द टॉप 10 कंट्रीज इन साइबर क्राइम केसेस। इंटरनेट के द्वारा जो भी क्राइम्स किए जाते हैं जिसमें लोगों से फर्जी OTP वगैरह डलवा कर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है, ऐसे साइबर क्राइम केसेस में इंडिया विश्व की टॉप 10 कंट्रीज में आता है। जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं वो है रशिया, उसके बाद जिसका नाम आता है वो है यूक्रेन, चाइना, US एंड नाइजीरिया। सबसे ज्यादा जिन केसेस के बारे में बात होती है वो होते हैं फेक OTP के केसेस। अगर आपको कई बार होता है ना, आपको कुछ प्रोडक्ट प्लेस करना होता है, आपसे पहले से बोल दिया जाता है QR कोड भेज देंगे, है ना, और उससे बोलेंगे कि आप पे कर लो, OTP आपसे मांग लिए जाते हैं क्रेडिट कार्ड के, ऐसे जो केसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। कई बार ऐसा होता है कि कोई दुकान आप गूगल मैप्स पे देख रहे हो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन वहां पे फोटोज क्योंकि वो पीयर बेस्ड होते हैं तो कोई भी फोटो डाल लेता है। एक बार लॉकडाउन में हुआ था मेरे दोस्त के साथ, दारू वारू मिल नहीं रही थी, उसने सर्च किया दुकान पे, लिखा था होम डिलीवरी और एक नंबर दिया था, उस नंबर पे उसने 1300 रुपए पे कर दिए, दारू आई नहीं, उसका कट गया, मेरा फायदा हो गया, पूछो कैसे, नहीं दारू नहीं आई, चकन तो मैं पूरा खा गया। 2019 में एक नॉर्टन की रिपोर्ट हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया में साइबर क्राइम की केसेस अटेम्प्ट तो बहुत होते हैं, केस इन पॉइंट लगभग 50% से ज्यादा ऐसे इंडियन है जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी साइबर क्राइम एक्सपीरियंस किया है। आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, कोई फेक कॉल आया होगा, कोई फर्जी OTP मामला, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वाले को कॉल आया होगा, कभी ऐसा हुआ है, उसकी स्टोरी क्या रही है नीचे कमेंट सेक्शन में #cybercrime लिख के जरूर बताना। अगली न्यूज है हैदराबाद से, जो आपके नॉलेज के लिए, आपके जागो ग्राहक जागो वाइब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हैदराबाद की कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन ने एक रेस्टोरेंट को व्यक्ति को 5,000 रुपए पे करने को कहा, कारण कि व्यक्ति इनके रेस्टोरेंट पे गया था, उसने इनसे पानी मांगा, पानी रेस्टोरेंट ने बोला कि हम आपको सादा पानी नहीं दे सकते, आप सिर्फ बॉटल वाटर अवेलेबल होगा जो आपको हमारे यहाँ से खरीदना पड़ेगा। व्यक्ति ने इसी मामले में कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम में इनके खिलाफ कंप्लेंट डाल दी, जो वो जीत गया। और उसका कारण ये है, कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो हमेशा दो चीजें ऐसी होती हैं, इंस्पाइट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, वेर एवर यू आर हुएवर यू आर, आपको वो फ्री मिलेंगी, वो होता है एक पीने का साफ पानी और एक टॉयलेट का एक्सेस। ये हर पेट्रोल पंप पे और हर रेस्टोरेंट पे आप जाके मांग सकते हो, आपको मुहैया कराया जाएगा, ये आपका अधिकार है। तो एक और चीज जिस पे आपका अधिकार है वो है सर्विस टैक्स वेवर। अगर कोई भी एक रेस्टोरेंट आपको सर्विस टैक्स चार्ज करके बिल में दे रहा है, आप कभी भी उनसे बोल सकते हो आप ये हटा दो, मेरा पे करने का मन नहीं। सर्विस अच्छी हो तो पे कर दो, दिल तो तुम्हारा बड़ा है ही, और दिल इतना ही बड़ा है तो सब्सक्राइब भी कर दो। कुछ तरीका है भीख मांगने का। एंड लास्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स, फुटबॉल फैंस स्पेसिफिकली फॉर यू। एक UEFA के कोच ने AIFF के साथ मिलकर स्टडी की और पाया कि इंडिया की डेमोग्राफी में जो फुटबॉल के फैंस हैं और प्लेयर्स हैं उनमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है। जो ज्यादातर जो फुटबॉल के फैंस हैं, लगभग 65% ऑफ फुटबॉल फैंस इन इंडिया कम फ्रॉम ओनली 5 states, विच आर वेस्ट बंगाल, गोवा, पंजाब, मणिपुर एंड मिजोरम। तो अगर आप मुंबई, केरला, तमिलनाडु, मेघालय, सिक्किम इन राज्यों को भी ऐड कर लेते हो तो इन टोटल 9-10 राज्यों में से इंडिया की टोटल 90% ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स आते हैं। लगभग 1000 ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स एनालाइज किए जो नेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किए, जिनमें से जो 90% प्लेयर्स थे वो इन्हीं 10-11 स्टेट्स में से आए। कहने का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या जो हिंदी हार्टलैंड है पूरा, इसमें फुटबॉल इतना देखा नहीं जाता, इतना प्रोत्साहन नहीं होता, इतना अट्रैक्ट नहीं करता। ये क्रिकेट लविंग स्टेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कबड्डी भी चलता है, यहाँ पे बैडमिंटन भी चलता है, बट फुटबॉल की उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। एंड दैट्स समथिंग आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस। मेरा भी एक दोस्त है, वो मैनचेस्टर सिटी का बहुत बड़ा फैन है। वो स्कूल के टाइम पे हम लोग होते थे, जब हम लोग IPL के मामले में पागल रहते थे, वो रात को 2-2 बजे जगता था मैनचेस्टर सिटी के मैच देखने के लिए, क्योंकि फुटबॉल फैन फॉलोइंग कभी आसपास उतनी देखी नहीं। कुछ ही एक गीक्स होते हैं हर एक क्लास में जो फुटबॉल को फॉलो करते हैं, उनका एक कूल ग्रुप बन के रह जाता है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो फुटबॉल इज नॉट अ वास्टली रिवियर्ड स्पोर्ट इन द हिंदी हार्टलैंड। ऐसा क्यों है? अगर आप एक फुटबॉल फैन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में #football लिख के जरूर बताना कि इंडिया के जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स हैं वहां फुटबॉल इतना क्यों नहीं चल रहा है, एज अ रिपोर्ट सजेस्ट्स। और जनाब क्या चल रहा है? ये वीडियो वायरल हुआ बैंगलोर से,
जहां पर एक कपल अपने छोटू को स्कूटी की फुटरेस्ट पर विराजमान करके गाड़ी चला रहे थे। इस बात पे मैं बस दो शब्द कहना चाहूंगा, क्या और क्यों? It's her choice. बच्चे को फुटरेस्ट पर क्यों रखा है भाई, इसे गिराना ही था तो अल्ट्रासाउंड। अच्छा, आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो बहुत ही अजीबोगरीब वीडियोस वायरल हो रही हैं। अलग अलग नेता अजीबोगरीब थिएट्रिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस के बीजेपी के अरबपति नेता नवीन जिंदल, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, ये देखे गए मजदूरी करते हुए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। इस पे किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया कि एक दिन मजदूर बनेंगे, 5 साल बनाएंगे। सारी दुनिया का बोझ हम। और रुकिए, अभी पॉवर्टी पॉन शुरू हुआ है। एक और नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो खेतों में जाके फसल काट रहे थे। मैं बता रहा हूँ, फसल तो बस बहाना है, ये काटने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सिचुएशन नहीं समझ रहे हैं। And how can we forget? सबसे बढ़िया हमारे अपने सेलिब्रिटी किसान हेमा मालिनी जी, जो मथुरा में 5 साल बाद एक बार फिर से हेलीकॉप्टर से खेती करने पहुंची। और देख रहे हो, पूरी पोजिंग बाजी चल रही है। Today I went to the farms and interacted with the farmers who I have been meeting regularly since last 10 years. हाँ, गलती पता लोगों की है, आप तो 10 साल से जा रही, फोटो पता नहीं इलेक्शन के पहले क्यों आती है। They loved having me in their midst and insisted I pose with them. अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा था डिजाइनर देवसेना बनने को। देखिए, इलेक्शंस का तो कह नहीं सकते, बट पॉलिटिक्स में आपका काम लाजवाब है। ये लोग समझ नहीं रहे, इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो आपने एक्टिंग करियर में नहीं दिया मोहिम साहब। एंड ये देखिए, समझ में नहीं आता कि बीजेपी को वन नेशन वन इलेक्शन क्यों चाहिए। भाई फायदा है, चुनाव होते रहने चाहिए, इसी बहाने नेता लोग भी आम लोगों वाले काम करेंगे। हेमा मालिनी एक्टर पॉलिटिशियन खेती कर रही है, नवीन जिंदल इंडस्ट्रियलिस्ट मजदूर बन गए। वाह मोदी जी, वाह। एक और वीडियो वायरल हुई देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक लड़की, नहीं मैं नहीं मानता, सही बोल रहे हो, अंडरगारमेंट्स पहन के ट्रेवल कर रही थी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पहले तो दिल्ली वालों ये बताओ, मेट्रो के बाहर कब निकली ये बीमारी? अब ये कौन है, किसने किया? मैंने बहुत सोचा, मुझे सिर्फ दो रीजनेबल जस्टिफिकेशन समझ में आए कि एक तो ये सवारी बढ़ाने की स्कीम है, हीरा ठाकुर स्कूल ऑफ बिजनेस, या और दूसरा ये कि मे बी दिल्ली में गर्मी बहुत है। नो, बट इन दैट केस मैडम फिर ये भी नहीं पहनती। मैं गिरा होया बंदा जमानी। नॉनसेंस। यूपीएससी में बिहार के लड़के और नॉनसेंस न्यूज में उत्तर प्रदेश हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये तो क्लियर ही है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, यूपी ने टॉप किया है। यूपी आई लव यू। लखनऊ के पुलिस थाने में एक मौलाना साहब की बेगम पहुंची कि जनाब हमारे शौहर जो है वो लापता है। तो पुलिस ने कहा ठीक है रुक जाइए, हम पता करेंगे और रिपोर्ट लिखने से पहले आप ये बताइए कि कहीं और जा सकते हैं। तो उतने में उनकी जो दूसरी बेगम थी वो दौड़ कर आई कि जनाब हमारे शौहर लापता है, वो भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा रुकिए, दोनों के शौहर का हम रिपोर्ट लिखते हैं, उनको ढूंढते हैं। फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और मौलाना साहब को ढूंढना शुरू किया, और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मौलाना साहब अपनी तीसरी बीवी के पास मिले। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। किसी महान कवि ने कहा है कि जिंदगी हो तो ऐसी हो वरना जिंदा। और रुकिए, अभी और सुनिए, ये शादीशुदा कलेश का इंडिया में पूरा जॉनर है भाई साहब। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो एक टिप देता हूं, ओपन माइक या थिएटर में जाके अपने पैसे बर्बाद मत करो, आगरा के किसी पुलिस थाने में जाओ, वहां की कहानियां सुनो। एक आदमी को तलाक इसलिए चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी इंग्लिश नहीं बोल पा रही। दूसरे ही थाने से सुनो एक डाउरी का मामला, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, बोला कि भैया फॉर्चूनर लेके आओ तब घर के अंदर लेंगे, उसकी खुद की सकल एस्प्रेसो वाली थी। एक और सुनो, जहां पर एक पति पत्नी में टीवी देखने को लेकर झगड़ा हो गया, हाथापाई मार बिटाई शुरू हो गई, बात पुलिस थाने तक पहुंच गई। तुमको पढ़ के सुनाता हूं घटना। पत्नी का आरोप है कि पति आईपीएल मैच का दीवाना है। कौन नहीं है। जब आईपीएल शुरू होता है तो पति ऑफिस से छुट्टी ले लेता है। सिमिलर केसेस हैव हैपेंड। जिस समय पर टीवी पर आईपीएल मैच आते हैं, ठीक उसी समय टीवी पर पत्नी का पसंदीदा सीरियल भी आता है। ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है जी। मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक सब छोड़ो, ये एक ही टाइम पे आईपीएल और सीरियल क्यों आ रहे हैं। खैर, जब आईपीएल मैच के दौरान पत्नी ने अपने पसंदीदा सीरियल देखने की इच्छा जताई तो पति ने बेल्ट से पिटाई कर दी, डोमेस्टिक वायलेंस। फिर पत्नी भी पीछे ही नहीं रही, उसने भी पति पर बेलन से वार कर दिया, वुमेन एम्पावरमेंट। एक और किसी महान कवि ने क्या खूब कहा है, कहां मिलेगा इतना कंटेंट। एक चाइनीज कंपनी है फर्दोंग लाई, जिन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रथा स्टार्ट की है। इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सालाना 10 दिन की सैड लीव दी है, मतलब अगर आपको मन नहीं कर रहा तो आप सैड लीव डालकर
छुट्टी ले सकते हो। बताओ कितनी अच्छी बात है, सिर्फ सैड फील करने के लिए छुट्टी मिल रही है। इंडिया में हो जाए तो कितना अच्छा रहे। नहीं भाई, अगर भ्रम में जी रहे हो तो बता दूं, इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर फैमिली इमरजेंसी बोल के लोग आईपीएल मैच देखने जाते हैं। नॉट फीलिंग वेल यहाँ का नेशनल बहाना है छुट्टी लेने का। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिला था लॉकडाउन में, जहाँ पर कितने लोग थे जो मरे थे और कितने ऐसे थे जिनको कॉर्पोरेट वालों ने मार दिया था। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो देख रहा है, उसे पता है कौन है, चोर की दाढ़ी में तिनका। वो भाई उसकी कंपनी ना बाहर की थी, तो बाहर जो विदेशों में, वहां तो खबर फैली थी कि इंडिया में हालत बहुत खराब है, तो वो ना हर दूसरे दिन अपना एक रिश्तेदार मार देता था। उसकी मौसी कुंवारी थी, एक दिन कंपनी में फोन करके उसने अपने मौसाजी मार दिए। उसकी मौसी की शादी भी नहीं हुई थी, दो दिन का मेंटल हेल्थ लीव। फिर उसके एक हफ्ते बाद उसके दादाजी का देहांत हो गया। मैंने कहा भाई सॉरी, कह रहा कोई बात नहीं, दादाजी तो सालों पहले स्वर्गवासी हो गए थे, कंपनी वालों को आज पता चल रहा है, तीन दिन की मेंटल हेल्थ लीव। एक और पॉजिटिव न्यूज, या एक कह सकते हैं इस बार पॉजिटिव थॉट जो आपको सुनाना चाहता हूं, वो है यूपीएससी रिजल्ट मिलने के बाद एक एस्पिरेंट का ट्विटर पोस्ट है जो वायरल गया, पढ़ के सुनाता हूं। पहले कुणाल आर वेरुलकर, ये वो व्यक्ति हैं, उन्होंने लिखा 10 अटेम्प्ट्स which include 6 mains and 4 interview still couldn't get selected in UPSC, don't know what is written in the destiny #UPSC। और इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कुणाल को कई लोगों ने कई सारी चीजें लिखी। कुछ लोगों ने बोला कि यू शुड ट्राई हार्डर, इवन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाएगा, एक और अटेम्प्ट क्लियर कर लो, क्या होता है रीस्टार्ट। और कुछ लोग बोल रहे थे भाई हो गया कोई बात नहीं, अगर यूपीएससी नहीं बन रहा, नहीं जच रहा, लाइफ में कुछ और ट्राई कर लो, क्यों वो ईयर वेस्ट कर रहे हो। याद हो आपको संजीव सान्याल का भी कुछ टाइम पहले इंटरव्यू जो वायरल हुआ था, उसमें भी उन्होंने यही चीज कही थी कि यूपीएससी में कई सारे यूथ हो जाए अपने प्राइम ईयर्स बर्बाद कर रहा है, आप उतना ही एफर्ट कहीं और भी लगा सकते हो। और उसमें मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि यूपीएससी जिसको करना है, बार बार करना है, बार बार लोग आसानी से बोल देते हैं रीस्टार्ट, और रीस्टार्ट तो आसानी से हो जाता है, पर जब गाड़ी बंद पड़ जाती है ना, वो चाबी तक जाने में जो हाथ कपकपाते हैं, पूरी मेहनत वहीं की होती है। पर अगर कभी आप यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, अगर कुछ लाइफ में कुछ और भी स्टार्ट करना चाहो, तो कोई बुरी बात नहीं, उसको ईगो पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि सब सत्तू बन के ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देख ही करें, मे बी और मेंट फॉर इवन बेटर थिंग्स। लेकिन मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल भी हैं जिसको आप देख सकते हो, हु कुड नॉट डू ग्रेट थिंग्स बट वेंट ऑन टू डू ग्रेटर थिंग्स। अमिताभ बच्चन रेडियो जॉकी बनने जा रहे थे, नहीं बन पाए, लेकिन सदी के महानायक बन गए। इसका एक बहुत अजीब तो मैं ऑफबीट एग्जांपल देता हूँ, हार्डी संधू, क्या पता है वो क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेटर था, एक लेवल पे खेल चुका था, उसके आगे वो प्रोसीड नहीं कर पाए, बट ठीक है उसने आगे पॉप कल्चर सीन चेंज कर दिया इंडिया का। मे बी वॉज मेंट टू बिकम अ म्यूजिशियन। तो अगर आप में कुछ करने की चाह है, अगर आप में टैलेंट है, लगन है, चाह है, और यूपीएससी नहीं हो पा रहा है, तो बड़ो कुछ और करो लाइफ में। UPSC is lost, not yours. And now let's have a look at the top 5 comments of last week. भैया क्या दिन आ गए हैं? Prime Minister game खेल रहे हैं, YouTuber opposition का काम कर रहे हैं, media तो गुल्लू है ही, actor election लड़ रहे हैं, Kangana election लड़ रही है, तो क्या मतलब Kangana actor? चल छोड़ो, never mind. और सोचो, सिर्फ सोचो, अगर जीत गई Parliament में Kangana, समझ आ रहा है या रूम? भाई बहुत मजा आ रहा है मुझे सोच के, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना मजा आ रहा है। अगर मैं मंडी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता मैं वोट दे देता। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट वोटिंग व्हाट सूट्स यू बेस्ट, जो तुम्हारे लिए काम करे। मुझे पता है कंगना पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा कंटेंट वही देगी, तो लेट फॉर रिकॉर्ड जितना भी लव एंड रिलेशनशिप हो, वोट तो मेरा कंगना को जाता। सत्य हलाल लिखते हैं, क्लाइमेट चेंज, आई थिंक देयर इज नो बिग पार्टी इज कंसीडरिंग दिस एज अ बिग इशू, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, पॉल्यूशन, दीज इशूज आर जस्ट बीइंग इग्नोर्ड फॉर दिस इलेक्शन। आई एम प्रिटी श्योर कि जब अगला इलेक्शन आएगा तुम्हारा ना, तो यही सबसे बड़े मुद्दे होंगे, और इसीलिए क्योंकि अभी ना लोगों को फर्क नहीं पड़ा। तुमने वो वाली कहानी सुनी ना मेढक वाली, कि अभी मेढक पानी में है और वो पानी धीरे 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 गर्म हो रहा है, हल्दे पानी में नहीं डाला तो उसे समझ में नहीं आ रहा, वो पानी धीरे धीरे एक लेवल के पार पहुंच जाएगा जब कुछ कंट्रोल में नहीं बचेगा, मेढक तब फिसलाएगा। ऑपोजिशन इज द कमिंग ईयर्स आप एंड जनसुराज बाय प्रशांत किशोर वुड बी सम पार्टीज आई वुड लुक अप टू। यार जनसुराज जो से जो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी बिहार में, वो काफी बेहतरीन है। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो गांव देहात में जा जाके ना लोगों से बात कर रहे हैं, और उनसे वहां पर ना वो एक कहते ना बेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, और उनका मुझे नहीं लगता कि इस लोकसभा इलेक्शन में लड़ने का कभी से प्लान था, लेकिन वो जन स्वराज को एक ऑप्शन की तरह बिहार के वोटर्स में प्लांट कर रहे हैं, आगे जाके जन स्वराज बिहार में एक बड़ी पार्टी बनेगी अगर इसी तरह से काम करते रहे। तन्मय धोते बोलते हैं, सदर एंड क्यूरियस व्हाई हैव यू स्टॉप गिविंग योर रिकमेंडेशन इन संडे शो इन व्हिच यू वर सजेस्टिंग एनी बुक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब वीडियो व्हिच वाज वर्थ वॉचिंग, वी वुड लव इफ यू स्टार्टेड अगेन, लव योर वर्क, गुलाबी दिल गुलाबी दिल। चलो मैं दे देता हूँ, एक मूवी है बहुत पहले आई थी, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ शायद जेंजी होंगे आपने नहीं देखी होगी, पीपली लाइव देखना, जो मीडिया का आजकल का कार्टून पंती है ना, वो उसमें उसका ट्रेलर दिखाता हूँ। मैंने रिसेंटली पीपली लाइव देखी दोबारा, तो मुझे लगा कि यार कितना रिलेट कर, तुम पीपली लाइव देखना एक बार, रिकमेंडेशन ऑफ दिस वीक, पीपली लाइव मूवी देखना एक बार। सार्थक भाई मणिपुर का जो इशू है उसका सॉल्यूशन क्या है? जहां तक मैंने देखा है वहां का इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, आपका व्यू क्या है इसके बारे में, आपकी राय जरूर बताइए। हम लोग मणिपुर गए थे, मणिपुर पर डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने बनाई है, पहला एपिसोड आ चुका है, दूसरे एपिसोड में हम लोग ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट समझाने की ज्यादा कोशिश करेंगे।
वहां का सोल्यूशन सिर्फ बातचीत है भाई। वहां का जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं है कि अभी बड़बड़का, वो जो प्रॉब्लम है ना वो सेंचुरीज ओल्ड है, वो धीरे धीरे वो सिमर कर रहा था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, वो तप रहा था धीरे धीरे, और एक पॉइंट पे आके वो खोल गया और उफन गया। तो वहां पे जो इंटरनल हेट्रेड है ना टुवर्ड्स वन कम्युनिटी टू द अदर, कुकीज लोग इम्फाल नहीं जा पाते, चौहचांदपुर नहीं जा पाते, मैतई, और प्योर हेट्रेड है कि भाई वहां जाएंगे तो लिंच हो जाएंगे, ये वाली बात है। मेरे को एक बहुत अच्छा सोल्यूशन जो मोहक मंगल की वीडियो में मुझे दिखा था, वो बोला था कि आप उनको इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट बनाओ, जब पता चलेगा कि कोई अगर एक कुकी को हार मूंगा तो मैतई भी धंधा नहीं कर पाएगा या वाइस वर्सा, तब वहां के सोल्यूशन सुलझ सकते हैं। मोहक मंगल की वाली वीडियो देख लेना फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। पर मणिपुर और इंडियन सरकार को ऐसी ही कुछ तरकीब लानी होगी जिससे मणिपुर की सारी कम्युनिटीज इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाए। और ऐसे ही आप भी कोई भी शो में बात की गई हो जिसको लेकर आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में #sundayvichar लिखिए और उसके लेकर अपने जो ओपिनियन है वो हमारे साथ साझा कीजिए। हम अगले एपिसोड में उसको आके डिस्कस करते हैं। और अगर आप टॉप 5 कमेंट्स में आते हैं तो आपको मिलता है हमारे चैनल की तरफ से 1 महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमारा जो न्यूज लेटर आता है वो आपके डायरेक्टली व्हाट्सएप पर आएगा। और भी कुछ चीजें हम जो प्लान कर रहे हैं, जब आएगी तब आपको पता लग जाएगी। हफ्ते के सबसे ट्रेंडिंग और वायरल मीम्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट संडे सभा। और इन दिनों सबसे ज्यादा जो आपका ट्रेंडिंग मीम रहा है वो ये रहा है, हम भी सोए हैं, हम भी जा, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया, कर नहीं पाया, दिखाता हूँ। सीनियर्स जूनियर्स क्लासमेट्स सेम सेम बट डिफरेंट, नो मनी नो हनी, राजस्थान रॉयल्स, CSK, SRH, यू न्यू इट वॉज कमिंग, RCB, यार RCB की क्या ही किस्मत है, हर साल इस साल गप नाम दे, मोदी जी के 15 लाख आ सकते हैं, RCB की ट्रॉफी नहीं आएगी। मैं आपको कुछ कहे हैं, और लोगों को ये नहीं कि गांव की कोई क्रिएटर है वो ट्रोल हो रही है, डिफेंड करें, कमेंट सेक्शन में आईडी मांग रहे हैं, RR वाली की आईडी, SRH वाली की आईडी, MI की आईडी, कितने बेशरम लोग हो तुम लोग, कहाँ है तुम्हारी शर्म और कहाँ है आईडी। गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ले, गोरिया भी पहले जाटों का गांव था, हाँ भाई BTS का तो फुल फॉर्म ही है बहादुरगढ़ टॉक्सिक समाज। तेरी जबान बहुत चलती है सूर्या, किम जोंग उन भी जाट है भाई, पुतिन भी जाट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जाट थे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसकी भाभी बनो जी, मुझसे शादी कर। इतना फिल्टर लगा रखा है कि जब वो हाथ पे ऐसा हाथ मुंह पे लेके आया ना तो उसके होंठ बाहर आ गए। ब्रदर व्हाट्स दैट, अजय देवगन की बुआ का लड़का, बोलो जुआ केसरी, ब्रोकर ऑफ अजय देवगन, 99 मिस कॉल्स फ्रॉम अजय देवगन। तुम तो सोचो भाई कि मतलब अजय देवगन ने ना गुटखा का मार्केट कितना ज्यादा मोनोपोलाइज कर रखा है कि कहीं भी ये बात आती है वही अजय देवगन का नाम आ जाता है। तुमने सोचा कोई और ऐसा एक्टर हो जिसने किसी एक चीज को, किसी एक सेक्टर को इतना मोनोपोलाइज कर रखा हो, कोई UPI ऐप का है तो 3-4 है, ऑटोमोबाइल कंपनी का तो 3-4 एक्टर है, नहीं, लेकिन जब गुटके का नाम आएगा अजय देवगन सुप्रीमेसी। बोलो जुबा केसरी, कह रहा उसकी वाइफ याकूल बीच के फैमिली ठीक कर रही, वो गुटका खा रहा। क्यों ना हम लोग बैंक से ही लोन लेके बैंक को ही खरीद लें। मैं तुम्हारी चप्पल उतार के तुम्हीं के मुंह पे मार दूं। Yo, that one there was a violation. आपसे जानना चाहो कि MLA की फुल फॉर्म क्या, वो बताइए सर। MLA की फुल फॉर्म तो वही होते ना, जो मंत वही गाड़े थे। कहाँ गाड़े थे, याद तो है तुमको, जहाँ गाड़े थे वही गाड़े थे। अब तो सच बोल दे, इंडियन एड्स अ मर्सीलेस। सीमेंट रेटिंग 9/11, ऑलमोस्ट एज बैड एज देयर मून लैंडिंग वीडियो, यूज द ताजमहल नेक्स्ट टाइम। एट फर्स्ट आई थॉट वी हैड अनदर एंगल। कभी कभी बस ना कॉमेंट पढ़ो और सोचो कि इंसानियत प्रोग्रेस की है या पीछे चली गई। ये कैन डू जनरेशन है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मणिपुर की जो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है बहुत अच्छी लगेगी आपको, पहला एपिसोड आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं, बताइएगा कैसा लगा। बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम लगा है, बहुत रिस्क लगी इसको बनाने में, अभी तक के हमारे चैनल का बेस्ट एपिसोड हम इसको कंसिडर करते हैं। तो मणिपुर की डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिएगा और अगले संडे शो में यहीं पर आके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले शो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, शबा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।